सत्यजीत रंजन मन्ना और मेरा वाइफ सुरूपा मन्ना, हम लोग कोलकाता से है। तेज हम लोग कलकत्ता से हैं। तो हमारा किडनी का प्रॉब्लम शुरू हुआ 2015 से। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट करता था कोलकाता में। तो पहले था 1.3 ट्रीटमेंट चालू हुआ, ऐसा करते करते 2019 में आके 4.5 हो गया। तो मैं सोचा इसका बाद ये एलोपैथिक में तो कुछ हो नहीं रहा, इट इज़ इंक्रीजिंग। तो तब क्या किया, मैं वी के साहब का यूट्यूब में देखा, उनसे थोड़ा इंप्रेस हुआ, इसका बाद में यहाँ आरोग्य धाम में आ गया। यह ट्रीटमेंट 10 दिन से ट्रीटमेंट लिया, अच्छा ही है ट्रीटमेंट। थोड़ा बहुत सुधार तो नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ, स्टैग्नेंट हो गया और क्रिएटिनिन बढ़ा नहीं। तो डॉक्टर साहब का मतलब ये अभी स्टैंडर्ड हो गया तो ये अभी कम हो जाएगा थोड़ा दिन में, तो अभी मेडिसिन लेना है, उसके बाद में कम होने का चांसेस। आयुर्वेद में एक्चुअली मैं तो जितना मेरे नॉलेज में है, अलाहाबाद में डायलिसिस करके तो और कोई इलाज नहीं है। तो मैं चाहता था डायलिसिस रुक जाए किसी तरह से भी, और इसमें आयुर्वेदिक एक अल्टरनेटिव है जो डायलिसिस रोक सकता है। तो इसलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन में मैं बिलीव करता हूँ और आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने का डिसीजन लिया।